अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा फिजत, बात कीजिए कि नून लीग का आज हारूनाबाद में जलसा था, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तकरीर की। सबसे पहले मैं बात करूंगा नवाज शरीफ की, कि उन्होंने कड़ी तनकीद की इमरान खान पर, और आज उन्होंने कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया 3 साल, और मुल्क के साथ जो किया गया आज वो अपने केसेस भुगत रहे, सजा भुगत रहे। मरियम नवाज ने इसी तरह कहा कि हम जो इमरान खान को सजा हुई है उस पर खुशी नहीं मना रहे, बल्कि इमरान खान की जो जमात है दहशत गर्द है, और जमात के साथ दहशत गर्द वो जैसा सलूक करना चाहिए उसी तरह, और जितनी खुल के तनकीद कर सकते थे कर रहे हैं। मैं वही बात है कि हमारे जो हुक्मरान है वो अपने माजी से सबक नहीं सीख रहे, आज ये खुश हो रहे। 5 साल पहले यही सियासी जमात जो थी वो बहुत रही थी कि इन पे केसेस मुकदमे बन रहे थे, आज वो साइकिल फिर गई है, दोबारा इमरान खान पे आ गया, तो आज ये उनके साथ उस तरह करे तो कोई सबक तो नहीं सीख रहा। 5 साल बाद अगर फिर साइकिल फिर गई, फिर ये लोग गिरफ्तार हो गए फिर, और जो जो ये 16 माह में हुआ है गिरफ्तारियाँ, घरों में छापे, चारदीवारी का जो तकदस, जो कुछ हुआ है ये सब कुछ फिर दूसरी जमातों के साथ होगा, वो रो रही होगी। कल भी हम उस्मान जो हुआ उन लोगों के साथ उसकी मजम्मत करते हैं, आज भी ये हो रहा है इसकी मजम्मत करती है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई भी अपना हाथ आगे नहीं कर रहा, लेकिन जब ये आग लगेगी फिर घर जो है किसी का नहीं बचेगा। आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। तो इसके बाद शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया, उन्होंने आज रैली से खिताब किया PP 172 में। तो वही बातें जो आज सारी जमातें आज तकरीबन हर जो जमात है वो अपने जलसे में बस इमरान खान को जो सजा हुई है उसी पर बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कोई जमात जो है वो सीरियस होने का नाम नहीं ले रही, अपने माजी से नहीं सबक सीख रही, ये बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे सारी सियासी जमातें, सिर्फ एक PTI नहीं या PDI तो नुकसान उठा रही है, बाकी सारी जमातें भी इसका नुकसान है, और इसका बोझ उन पर भी पड़ेगा आने वाले दिन।